सेक्टर रमजान शुगर मिल्स के लिए नाला बनाने की हिदायत शहबाज शरीफ ने दी। साबिक वजीर आला के सेक्रेटरी अमल दरामद इमदाद अल्लाह बोसाल ने नैब को जवाब जमा करा दिया। नैब ने एहतसाब अदालत में तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राहिल सैयद से। जी राहिल सैयद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी जैनब, शहबाज शरीफ की आज पेशी थी जिसमें उन्होंने नैब की सेक्रेटरी और नैब ने जो तफसीली रिपोर्ट जमा करवाई है उसमें बड़े जो है दिलचस्प इंकशाफात भी हुए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो साबिक सेक्रेटरी थे अमल दरामद साहब, उन्होंने भी अपना बरतानिया से जो है नैब को रिकॉर्ड जमा बयान जमा करवाया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बोसाल ने 21 मई 2014 को हुक्मनामा जो है इस हवाले से रमजान शुगर मिल के हवाले से जारी किया था। बोसाल ने बताया कि एडिशनल सेक्रेटरी वजीर आला हाउस अली अमीर जो अली आमिर थे उन्होंने मुझे फोन किया था। जब अमीर अली आमिर से जो है नैब ने इस हवाले से तहकीकत की तो उनकी जानब से भी जवाब आया कि वजीर आला पंजाब ने ड्रेन मनसूबे के लिए फंड जारी करने का हुक्म दिया था, और जब वजीर आला की जानब से फंड जारी करने का हुक्म आया तो फिर ड्रेन के लिए जो है फंड जारी कर दिए गए। इस हवाले से नैब ने अली आमिर को भी तलब किया था और उन्होंने अपना रिकॉर्ड जमा करवाया था। अली आमिर ने यह भी इकरार किया जो रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने ड्रेन शुगर मनसूबों के लिए मुख्तलिफ जराये से फंड का बंदोबस्त किया और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अफसरान के रूबरू भी अली आमिर को करवाया गया, जिसमें उन्होंने जवाब देने के लिए वक्त मांगा और कहा नए को कि मैं 30 नवंबर तक जो है इन सवाल के जो जवाब जमा करवा दूंगा। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो शहबाज शरीफ ने अपने बेटों को 9 करोड़ रुपए के तहत दिए उसका में जिक्र नहीं किया गया, जबकि 2011 में 9 करोड़ से जायदा शहबाज शरीफ की जानिब से अपने बच्चों को दिए थे और उनके जो अकाउंट्स में जो रकम जमा हुई है 2011 से लेकर 2017 तक वो 14 करोड़ से जायद की जो रकम है वो मुंतकिल हुई है उनके अकाउंट्स के हवाले से। इस हवाले से जो है जो रिपोर्ट है तफसीली वो जमा करवाई गई है और इसमें यह भी इंकशाफ किया गया है कि 70 कनाल अराजी जो है वो भी ली गई थी और इस हवाले से पटवारी जो है उन्होंने भी अपना रिकॉर्ड बयान जो रिकॉर्ड जमा करवा दिया कि अब रमजान शुगर मिल के ड्रेन वाटर को इस्तेमाल करने के लिए सरकारी तौर पर जो है जमीन हासिल की गई थी। इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट जो है नैब की तहकीकती टीम ने जो है नैब अदालत में जमा करवा दी और इसी जो बुनियाद जो मजीद जो है रिमांड किया गया। जी ठीक है, नैब ने एहतसाब अदालत में तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी है। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद, आप हमें आगाह कर रहे थे।